मंगलवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर महानगर अध्यक्ष और पार्षद समाजवादी पार्टी जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने नगर निगम परिक्षेत्र में रुके विकास कार्यों को गति देने के लिए 5 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया और उचित समय के भीतर उक्त मांग न माने जाने की स्थिति में महानगर समाजवादी पार्टी के महानगर के विकास परक कार्यों के मद्देनजर आर पार की लड़ाई लड़ने को बाध्य होगी और उक्त विकास कार्य आम जनमानस के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े होने के कारण यदि लापरवाही बढ़ती गई तो उसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, जिसके फलस्वरूप इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, कालरा, हेपेटाइटिस या अन्य संक्रमित व्याधियां हो सकती हैं, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार नगर निगम प्रशासक होगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जियाउल इस्लाम ने कहा, सरकार निकलनी है, वो सरकार चलेगी नहीं चलेगी, साला साल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार समाजवादी पार्टी के सभी पार्षद और संगठन के लोग आज एक दिवसीय धरने में बैठे हुए हैं। एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। हम लोगों की मांग है कि नगर निगम बोर्ड का गठन हुए लगभग 6 माह हो रहे हैं, पूरी तरह से गोरखपुर का विकास ठपड़ा हुआ है, सड़कों पर पानी फैला हुआ है, व्याप्त गंदगी शहर के अंदर है, पार्षदों को जो पार्षद वरीयता दी जाती थी काम कराने के लिए वो भी अभी तक गोरखपुर के महापौर और नगराधिकारी रिलीज नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर शहर जहाँ तक मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए भी गोरखपुर में और चौमुखी विकास होना चाहिए, मगर उत्तर प्रदेश सरकार बने आज 13 माह हो गए और नगर निगम का बोर्ड का गठन हुए लगभग 6 माह हो रहे हैं, पूरी तरह से नगर निगम परिषद के अंदर विकास का ठप पड़ा है। आज समाजवादी पार्टी इन सभी मांगों को लेकर धरना कर रही है। अगर नगर निगम गोरखपुर के अंदर विकास काम को ठप रखेगा तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी संघर्ष के लिए बात होगी और यह संघर्ष का पहला दिन हम लोग का है।